बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स। बेटा हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपरली पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन। फर्स्ट वन इज अ सेंसरी न्यूरॉन। बेटा सेंसरी न्यूरॉन वो होती है विच कंडक्ट सेंसरी इम्पल्स इंफॉर्मेशन लाइक नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कोऑर्डिनेटर। बेटा वो न्यूरॉन जो मैसेज को रिसेप्टर से ले और उसको ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचाए, उस न्यूरॉन को हम लोग जो है वो सेंसरी न्यूरॉन का नाम देते हैं। और सेंसरी न्यूरॉन की बेटा ये एक करैक्टरिस्टिक है कि उसके पास सिर्फ एक डेंड्राइड होता है और एक ही एक्सॉन जो है वो होती है, ठीक है। उसके बाद आती हैं जी इंटर न्यूरॉन्स। बेटा इंटर न्यूरॉन्स वो हैं विच फॉर्म द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन करवाती हैं। दे रिसीव इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती हैं बेटा, इंटरप्रेट उसको रीड करती हैं एंड स्टिमुलेट द मोटर न्यूरॉन्स, और आगे मैसेज दे देती हैं बेटा किसको, मोटर न्यूरॉन्स को। इनके पास बहुत ज़्यादा डेंड्राइड्स होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सॉन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी मोटर न्यूरॉन्स। बेटा मोटर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो कि इंटर न्यूरॉन्स या ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे मैसेज लेती हैं और आगे जो है वो मसल्स और ग्लैंड्स जो इफेक्टेड साइट्स हैं बेटा उन तक जो है वो मैसेज को पहुंचाती हैं। दे हैव मैनी डेंड्राइड्स बट ओनली वन एक्सॉन। इनके पास बहुत ज़्यादा डेंड्राइड्स होते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सॉन होती है। तो बेटा ये आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखना है। उसके अलावा ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये भी आपने शॉर्ट में याद रखना है बेटा कि नर्व इम्पल्स जो है वो एक वेव है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की, जिसमें केमिकल आयंस जो हैं बेटा वो चेंज होते हैं और उसकी वजह से ये नर्व इम्पल्स जो है वो प्रोड्यूस होती है और ये ट्रेवल करती है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन की लेंथ में। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा जो इसमें आपने याद रखना है, कल इंशाल्लाह फिर आगे डिस्कस करेंगे।